जो लोग जिंदे माता पिता की सेवा नहीं करते, मरने के बाद उनके नाम का भंडारा निकालते हैं, उन लोगों से तो कभी कभी देवता भी दुखी हो जाते हैं कि जब जिंदी थी माँ तब तो उसे दो रोटी खवाई नहीं और अब मर गई तो रो रहा है। जिंदा था बाप जब तो एक बार पूछने गया नहीं कि ठीक हो कि नहीं, कोई दवाई गोली की जरूरत है तो नहीं, और जब मर गया तब रो रहा है। लोग मरने के बाद याद करते। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, एक लड़की ने प्रश्न पूछा, बोली गुरु माँ मेरे पापा जब जिंदा थे तो मैं उनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करी, हमेशा जब देखो झटक के बोलती थी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, अब जब वो नहीं रहे हैं तो मुझे उनकी बड़ी याद आती है, तो मेरे पिताजी मुझे क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रेम उन्होंने मुझे दिया मैं उनका कभी उतना ख्याल नहीं कर पाई, उनका सम्मान नहीं कर पाई, उनको वाणी में भी सम्मान नहीं दे पाई। जब उस कन्या ने वो प्रश्न पूछा तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए, बिनकि अब किया क्या जा सकता है। यही मनुष्य का दुर्भाग्य है कि जब कोई होता है तब उसकी कद्र नहीं होती, जब वो चला जाता है तब उसकी याद आती है। जब वो चला जाता है तब याद करने से क्या फायदा, जब है तभी उसकी कद्र कर लो। लेकिन अधिकांश होता है कि जब होते हैं तब बूढ़े माँ बाप को एक कोने की कुठरिया में पटक देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और जब वो मर जाते हैं तब पूरे गांव का खाना कराते हैं, पूरे गांव का भंडारा कराते हैं, चाहे कर्जा लेके कराना पड़े पर भंडारा तो जोर का कराते हैं। इतना भोजन जो पूरे गांव को भंडारा कराने में जितना पैसा लगाया है, उतना पैसा अगर अपने माँ बाप की सेवा में लगा देता तो शायद 4 दिन और जिंदा रह जाते, 4 दिन और जी जाते बेचारे। ऐसा है तो मेरे लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ पर कहीं ना कहीं मेरी माँ का साथ है, तभी मैं सन्यासी बन पाई हूँ। मेरा जन्म गुरु कृपा से राधाष्टमी को हुआ, तो मेरी माँ मुझको बड़े प्यार से किशोरी जी कहती थी। आज से 18-19 वर्ष पहले जब मैं कथा सुनाने जाती थी तब किशोरी जी ही नाम लिखा जाता था पोस्टर बैनर पर। फिर मैंने सन्यास ले लिया, मैं सन्यासीन हो गई, तो सन्यासीन होने के बाद नाम रखा जाता है तो नाम मिला ध्यान मूर्ति, गुरु जी ने नाम दिया ध्यान मूर्ति। ऐसे सबके लिए अब ध्यान मूर्ति है, लेकिन आज भी मेरी माँ जब भोजन बन जाता है तब रसोई से आवाज देती है, किशोरी जी भोजन बन गया है, भगवान को भोग लगा दो। वो जो इतने प्यार से बोलती किशोरी भगवान को भोग लगा दे, तो वो जो भाव है वो ही प्रकट करता है कि मेरे भीतर उसकी दिव्यता है। ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि आपकी माँ की दिव्यता आप में विराजमान है। अपने बच्चों को ये बात सिखाओ कि उनका अस्तित्व उनके माता पिता से है,
उनका अस्तित्व भगवान से है। जब ये बात अपने माता पिता को बताओगे, अपने अपने बच्चों को बताओगे, तो उनमें आपके प्रति श्रद्धा पैदा होगी, अपने दादा दादी के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, और कहीं ना कहीं परिवार संगठित रहेगा।